सपने आना आम बात है। हम सबको नींद में सपने आते हैं। स्वप्न शास्त्र की माने तो हर सपने का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। सपने वर्तमान, भविष्य और उससे संबंधित संभावनाओं के बारे में भी बताते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम सुबह तक याद रख सकते हैं और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। आज हम आपको उन्हीं सपनों के बारे में बताएंगे कि अगर हमारे सपनों में हमें देवी देवता नजर आते हैं तो उनका हमारे जीवन पर क्या फल पड़ता है और वह किस चीज की ओर संकेत करते हैं। सनातन धर्म में मुख्यतः 33 कोटि देवी देवता है, इसलिए हर किसी के बारे में बताना तो संभव नहीं है, लेकिन हम आपको कुछ प्रमुख देवी देवताओं के बारे में जरूर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में देवी दुर्गा का दिखना अच्छा माना जाता है। अगर देवी दुर्गा लाल वस्त्र में मुस्कुराती हुई दिखाई दे तो समझ जाए कि जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, साथ ही पुराने रोगों से भी छुटकारा मिलेगा और जल्द ही आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार सपने में शिवलिंग देखने का मतलब भगवान शिव को देवों का देव भी कहा जाता है। आइए समझते हैं कि अगर सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है। अगर सपने में आपको शिवलिंग नजर आए तो यह बेहद शुभ माना जाता है। इनका अर्थ ये होता है कि आपको अपने सभी शत्रुओं से विजय मिलेगी। आपका बुरा चाहने वाले कभी भी अपने इरादे में सफल नहीं हो सकेंगे। साथ ही आपको हर परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी और अब ये समय आपका उन्नति का शुरू होने वाला है। तो इस प्रकार सपने में शिवलिंग दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है। सपने में श्री कृष्ण का दिखना। सपने में श्री कृष्ण को देखना बहुत ही शुभ संकेत होता है। इनका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपका भाग्योदय करेगा और साथ ही आपकी आमदनी भी बढ़ाएगा। सपने में श्री कृष्ण का दिखना समृद्धि के तौर पर माना जाता है और साथ ही ये इस बात का भी संकेत है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत है उस क्षेत्र में आप अपार सफलता प्राप्त करेंगे। सपने में भगवान श्री राम का दिखना। सपने में अगर आपने भगवान श्री राम को देखा है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है। अगर आप किसी परेशानी में फंस गए हैं तो वो सब जल्द ही खत्म होने वाली है और आपको राहत भी मिलने वाली है। साथ ही आपकी तरक्की के सभी मार्ग खुलने वाले हैं और माता पिता के साथ भी आपके संबंध काफी मधुर रहने वाले हैं। सपने में भगवान श्री गणेश को देखना। सपने में भगवान गणेश को देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपने अगर सपने में भगवान गणेश को देखा है तो आपको हर परेशानी से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि भगवान गणेश अब आपके सभी विघ्न को हरने वाले हैं और आपकी जिंदगी में एक सुनहरा समय शुरू होने वाला है। घर में सुख शांति रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन वैभव और साथ में आपका सम्मान भी आपको प्राप्त होगा, ये संकेत माना जाता है। इसके अलावा इस सपने का ये अर्थ होता है कि आपके घर में कोई ना कोई शुभ कार्य शुरू होने वाला है। सपने में श्री हनुमान जी का देखना। सपने में अगर आपको बजरंगबली दिखाई देते हैं तो ये भी काफी शुभ संकेत माना जाता है। हनुमान जी अलग अलग रूप में आपको फल देते हैं, जैसे कि अगर आपने सपने में विशाल हनुमान जी को देखा है तो इसका मतलब है कि आपको दुश्मनों से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। और वहीं पे अगर आपको हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली है। अगर हनुमान जी आपको सोते हुए दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको उनका आशीर्वाद मिल गया है। और अगर हनुमान जी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि भविष्य में आपकी जिंदगी में सब मंगल ही मंगल होने वाला है। अगर आपने हनुमान जी को उड़ते हुए देखा है तो जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें आपका कद बढ़ने वाला है और आपको नई उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। सपने में भगवान विष्णु का दिखना। अगर आप सपने में सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु को देखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपके भाग्य का उदय होने वाला है और साथ ही आपके सभी कष्ट दूर होने वाले हैं और धन धान्य की पूर्ति भी आपको होने वाली है। एक अर्थ ये भी है कि आपको बड़ा लाभ होने वाला है। सपने में महालक्ष्मी को देखना। अगर आप सपने में महालक्ष्मी को देखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है, नौकरी में तरक्की होने वाली है, साथ ही अटके हुए धन भी आपको जल्दी प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही रचनात्मक क्रियाओं में भी आपको काफी सफलता मिलने वाली है। सपने में माता सरस्वती को देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार
अगर आप सपने में माता सरस्वती को देखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि शिक्षा क्षेत्र में आपको काफी तरक्की मिलने वाली है, आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास में भी आपको काफी सफलता मिलने वाली है और इसी प्रकार मानसिक सुख भी आपको काफी प्राप्त होगा। परिवार में सुख शांति का वास रहेगा और घर में सदा प्रेम बना रहेगा। तो दोस्तों, आपको सपने में किस देवी देवताओं के दर्शन हुए हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।